Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I'm your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so that you will get the latest notification. Yes, in today's class we are going to start the new chapter, that is your number pattern, or you can say the number series. This is the chapter number 5 of your book. So let's start the class. Before starting the topic, we should know the name of the meaning of the topic. We have given the topic is number pattern. Number pattern means आपके पास कोई भी numbers दिए होंगे और उनमें हमें कुछ ना कुछ pattern ढूंढना पड़ेगा. इसका दूसरा हम बोल सकते हैं most common name है इसका number series. Number series the most common name. इसमें हमारे पास नंबर सीरीज बोला जाता है, ज़्यादातर इसको नंबर सीरीज से बोला जाता है, लेकिन आपकी बुक में नंबर पैटर्न दिया हुआ है तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है. इसमें इट में इसमें क्या दिया होगा कि मैं आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिए होंगे और उस नंबर्स को एनालाइज करना है कि क्या इनमें क्या चल रहा है, इनमें क्या पैटर्न है, क्या सीरीज बन रही है कि वन के बाद थ्री क्यों आया, थ्री के बाद फाइव क्यों आया. तो ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा. तो चाहे वो हमारे पे एनालाइज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दो तरह की सीरीज होती है, हमारे पास दो तरह के पैटर्न मिल सकते हैं आपको. कैसे मिल सकते हैं? नंबर वन, आपको लॉजिकल पैटर्न मिलेंगे, लॉजिक्स लगेंगे कि हाँ इसके बाद ये है तो ये होगा तो ये होगा. ठीक है, मीन्स कुछ हर चीज लॉजिकल चलेंगे यहाँ पे. और दूसरा टाइप होता है इसका इलॉजिकल सीरीज. इलॉजिकल सीरीज मीन्स उसमें खुद के ही पैटर्न होते हैं, ऑन पैटर्न होते हैं. हर क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं और ये इलॉजिकल क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, खुद का एक लॉजिक होता है. अब हमें ही नहीं पता कि उसमें क्या क्या लॉजिक, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो हमारे पास क्या है, लॉजिकल सीरीज में हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे. एडिशन सीरीज हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन के साथ आपके पास क्या पूछा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी चल सकती है मल्टीप्लिकेशन के साथ. डिवीजन सीरीज हो सकती है, स्क्वायर सीरीज हो सकती है, स्क्वायर सीरीज के साथ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन चल सकता है हमारे पास. क्यूब सीरीज होती है, क्यूब के साथ भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आपको सीरीज दी हुई है, एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि यस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें इस तरह से टैकल करना है. तो हमारे पास एडिशन सीरीज के लिए हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 6, 9, 14, 21. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा भाई 5 के बाद 6 कैसे आया, 6 के बाद 9 कैसे आया और 9 के बाद 14 कैसे आया, 14 के बाद 21 कैसे आया. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं समझ में है, सिंपल टेक द डिफरेंस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे. अगर हमें कुछ भी नहीं समझ में आया, टेक द डिफरेंस. चलो डिफरेंस लेते हैं. 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है, प्लस कितने का, 3 का है. उसके बाद कितने का है, 9 और 14 में कितने का है, प्लस 5 का डिफरेंस है. और उसके बाद हमारे पास कितने का डिफरेंस है, 14 और 21 में प्लस 7 का डिफरेंस है. तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, देखो आपको पता चल रहा होगा 1, 3, 5, 7. इट मीन्स ये क्या है, ओड नंबर्स होते हैं हमारे पास. ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं हो. ओड नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू. जो दो से डिवाइड नहीं होते हो, उनको हम ओड नंबर बोलते हैं, जैसे लाइक 1, 3, 5, 7. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये 5 और 6 में कितने का डिफरेंस लिया, मीन सेकेंड टर्म में से ये मेरे पास सेकेंड टर्म है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है. तो सेकेंड टर्म में से जब मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो बोलो प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. इसी तरह हमारे पास ये वाली अब सेकेंड बन गई, ये फर्स्ट बन गई, तो 9 में से 6 गया तो प्लस 3 आएगा. इस तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है कि सेकेंड वाले टर्म में से जब मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो प्लस की मुझे नंबर मिल रहा है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आप बता सकते हैं, देखते हैं मैम. 9 ऐड होगा, 21 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा भाई. 21 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा. तो नेक्स्ट टर्म हमें यही बतानी थी, क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या ऐड होगा, 21 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 30 इज द राइट आंसर. बोलो कुछ भी था, सिंपल हम ऐड करते जा रहे हैं. पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5, फिर 7, और नेक्स्ट हमें पता चल गया ओड है तो हमने 9 को ऐड कर दिया है.
ये इसको बोलते हैं एडिशन सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन सीरीज। अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन सीरीज। अब मैं सब्ट्रैक्शन का आपको क्वेश्चन बताती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे और अच्छे से चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सीरीज का आप क्वेश्चन लेंगे, सब्ट्रैक्शन का ले लो एक क्वेश्चन, 40, 30, 22 and 16, और हमें नेक्स्ट बताना है भाई क्या होगा। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि 40 और 30 का कितने का डिफरेंस है, 40 एंड 30 का, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, कितने का है, सेकंड टर्म छोटी है बड़ी और फर्स्ट टर्म बड़ी है, तो माइनस का डिफरेंस है, कितने का, माइनस 10 का डिफरेंस हो गया। यहां से कितने का, माइनस 8 का, 30 में से माइनस 8 गया तो क्या हो गया हमारे पास, 30 में से माइनस 8 हुआ तो क्या हुआ, 22 बच गया। अब क्या होगा, हमें पता चला पहले 10 हुआ फिर 8 हुआ, इट मींस अब 6 होगा। चलो देखते हैं 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, 22 में से माइनस 6 गया, कितना, 16 बचा। तो सभी में क्या है, ये 10 है, ये 8 है, फिर 6 है, ये मल्टीपल ऑफ 2 चल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 2 चल रहे, तो इट मींस यहां पे क्या होगा, 4, और 16 में माइनस 4 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 12। सो 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि मेरे पास सब्ट्रैक्शन की सीरीज किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा कि जो पहली टर्म होगी बड़ी होती है और सेकंड टर्म होती है वो छोटी होती है। जब हम फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माय सेकंड टर्म एंड दिस इज माय फर्स्ट टर्म। अब बोलो सेकंड में से फर्स्ट को 30 माइनस 40 करेंगे तो बोलो माइनस का 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास होती है सब्ट्रैक्शन की सीरीज, ठीक है। लेट्स मूव टू द मल्टीप्लीकेशन सीरीज। अब हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन पे मूव करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चलो देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1, 3, 9, 27 and 81। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या होगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सीरीज में क्या होगा, हमेशा नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे सडनली। 1 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद फिर 9, 9 के बाद देखो डायरेक्ट 27 हो गया, 27 के बाद डायरेक्ट कितना ज्यादा गैप आ गया। जब भी आपके पास बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो, इट मींस वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हो, इट मींस वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा। तो चलो देखते हैं ये क्या है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा 27, 27 27 के कैसे होते हैं कि नहीं होता है, 81 होता है। तो हमारे पास यहाँ से पता चल गया सभी क्या है, 3 के मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं। तो नेक्स्ट भी क्या होने वाला है, नेक्स्ट भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 81 का 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 243। क्या आ जाएगा भाई, 243 इज द राइट आंसर। तो ये सब इस तरह से आपको क्या करना है, पैटर्न्स लिखने हैं कि ये वाला पैटर्न ऐसे चल रहा है, इसी को बोलते हैं हम नंबर सीरीज। बोलो मल्टीप्लीकेशन सीरीज समझ में आई, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। चलो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं, या हमारे पास एडिशन की चल रही हो या फिर सब्ट्रैक्शन की सीरीज चल रही हो, तब हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को लेते हैं। तो चलो लिखते हैं हम क्वेश्चन, लिखते हैं 28, 28, 28, 33, 31, 36 और ये वाला हमसे पूछा गया है और नेक्स्ट दिया गया है हमको 39। तो चलो देखो इसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, वही हमें देखना है, वही हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो चलो 28 और 33 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, कितने का, प्लस 5 का। बोलो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, बोलो माइनस 2 का आएगा, क्योंकि जो सेकंड टर्म है वो छोटी है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे बड़ी है, इसलिए माइनस 2 का। 33 में आप माइनस 2 का ऐड करेंगे तो बोलो 31 आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, प्लस 5 हो रहा है, तो इसके बाद क्या होने वाला है, वही हमें ऑब्जर्व करना है। पहले 5 ऐड हुआ फिर माइनस 2 हुआ फिर 5 ऐड हुआ फिर माइनस 2 हुआ, इट मींस यहाँ पे माइनस 2 होगा तो क्या आ जाएगा, 34 आना चाहिए। क्या आएगा,
34 आना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न एकदम फिट बैठे तो हमें इस वाली टर्म में ऐड करके देखना पड़ेगा कि क्या 39 आ रहा है। भाई 34 में जब मैं 5 को ऐड करूंगी तो बोलो 39 आएगा नहीं आएगा? आ रहा है, इट मींस हमारा पैटर्न सही बैठ रहा है और इसका आंसर भी क्या आ गया, 34 इज द राइट आंसर। ये है हमारे पास, एक बार एडिशन चले फिर सब्ट्रैक्शन चले फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन चले। मल्टीप्लिकेशन के साथ में ही क्या चले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चले। तो ये वाली सीरीज को हम नोट करते हैं अब। सो लेट्स मूव टू द मल्टीप्लिकेशन विद सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीरीज। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से हमें चीजें क्या आती हैं, अच्छे से समझ में आती हैं। लिखिए 7, 7, 13, 7, 13, 23, 23, 41 and 75। और हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या आएगा, नेक्स्ट पूछा गया है हमें क्या आएगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखो 7 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 23, 23 के बाद 41, 41 के बाद 75। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है कि पहले हमारे पास 6 का डिफरेंस आया, फिर 10 का हुआ, फिर इसमें से कर लो, तो इस तरह से हमारा डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म्स में। तो ये क्या है हमारे पास, बोलो 7 का ट्वाइस क्या होता है, 7 का 2 टाइम्स क्या होता है, 14, 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो 13 बचेगा कि नहीं, 7 2 जा 14, 14 माइनस 1 13। इसी तरह 13 में हमारे पास क्या है, 13 13 दूनी 26 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। 13 2 जा 26, 26 में से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 23 2 40, 40 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। अब ये 41 2 जा 41 2 जा कितना होता है 2, और 82 82 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलो ट्वाइस माइनस 7 तो कितना आ जाएगा 75। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी भैया, कुछ भी नहीं होगी, इसका ट्वाइस कर दो, 75 का ट्वाइस करेंगे 150 आ जाएगा, 150 में से माइनस 9 करना है। इट मींस नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 हुआ, फिर माइनस 3 हुआ, फिर माइनस 5 हुआ, माइनस 7 हुआ, इट मींस हमारे पास ओड नंबर सीरीज चल रही है। ओड नंबर सीरीज चल रही है तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस करके माइनस 9 कर देंगे। तो 75 का डबल कितना होता है 150 में से 9 गया कितना हो जाएगा 141 इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन के साथ जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन चले। इस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप लोगों को और अच्छे समझ में आता जाएगा। ये हमारे पास एग्जांपल था किसका, मल्टीप्लिकेशन विद सब्ट्रैक्शन का, इसी तरह एडिशन का भी होता है। अब आती है हमारे पास डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने किया यहाँ पे 64, 32, 16, 8, 4, और आपसे पूछ लिया गया क्या होगा, पूछ लिया गया कि नेक्स्ट क्या होगा, तो ये मुझे पता चल रहा है ये 64 है, ये 32 है, ये 16 है, 8 है, 4 है, मींस नंबर्स एकदम से घटते जा रहे हैं, पहले कम घटे फिर ज्यादा से ज्यादा गैप आता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या है 32 का हाफ है कि नहीं है, मींस 64 का हाफ करेंगे तो 32 आएगा, जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और हमारे पास 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और सिमिलरली जब मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4 आया। तो यही पैटर्न मेरे पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है कि मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आने वाला है 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिवीजन सीरीज होगी जिसमें सभी में क्या चल रहा है, 2 का डिवाइड चल रहा है, कहीं पे 3 का डिवाइड हो सकता है, 4 का डिवाइड हो सकता है, 1.5 का डिवाइड हो सकता है, 0.5 का डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, ये हमारे पास था डिवीजन वाला क्वेश्चन, डिवीजन सीरीज किस तरह की होती है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे रही हूं कि सभी आपको पता चल जाए कि हाँ इस स्क्वायर सीरीज। अब आते हैं हमारे पास स्क्वायर सीरीज के क्वेश्चंस। स्क्वायर सीरीज हमारे पास होती है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 1 1 2 6 1 2 6 15 31, और हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा।
अब हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 15, 15 के बाद 31, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो हमें पता नहीं चल रहा कि किसी के स्क्वायर्स हैं डायरेक्टली, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किसी के स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 1 और 2, 2 एंड 6 में कितने का डिफरेंस है, प्लस 4 का, 6 एंड 15 में कितने का है, प्लस 9 का डिफरेंस है, और 15 और 31 में 15 प्लस 16 कितना होता है भाई, 31 होता है कि नहीं होता है। तो अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि ये तो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मींस 25, और जब आप ऐड करेंगे 31 में 25 तो अपने पास हो जाएगा 56। सो 56 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको स्क्वायर्स नहीं दिए हुए, तो जब भी आपके पास डायरेक्टली स्क्वायर्स नहीं गिवन हो तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, उसके बाद अगर आपको दिखाई दे जाता है तो वो क्या बन जाती है आपके पास, स्क्वायर सीरीज। तो यहाँ पे देखो प्लस 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास 5 का स्क्वायर आएगा। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, ये स्क्वायर सीरीज होती है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर सीरीज। अब आते हैं हम कि मेरे पास अगर दे रखा हो स्क्वायर दे रखा हो, उसके साथ या तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा हो या फिर सब्ट्रैक्शन चल रहा हो, मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ या तो एडिशन चल रहा हो या फिर सब्ट्रैक्शन चल रहा हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं एक अच्छा सा ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। लिख लीजिए एग्जांपल 11, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 7 क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ये तो एक एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो पहले 2 दिया है, फिर 7 दिया, फिर 14 दिया हुआ है, पहले हमें कुछ पता नहीं चल रहा सीरीज में एज सच कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होने वाला, देखते हैं वही देखते हैं क्या होगा भाई। सबको पता है ये क्या है 2, और यहां से चलो डिफरेंस लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा तो 5, और यहां से 7 का, तो हमें हम यहां से 5, 7 नेक्स्ट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आएगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए डिसाइड करने कम से कम 3 टर्म्स तो होनी चाहिए ना, थोड़ा सा पता चल जाए। तो ये आप डिफरेंस सीरीज भी एडिशन सीरीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर सीरीज लगा के दिखाती हूँ। ये क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 माइनस 2, 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोलो 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 14 क्या होता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोलो 14 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 2 गया 14 आ जाएगा, तो नेक्स्ट हमें पता चल गया अब तो कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का, ये 4 का, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट होगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 में से 2 गया कितना आ जाएगा भाई, 23 आ जाएगा, 23 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर के साथ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन चल रहा है तो क्वेश्चन में एडिशन भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर सीरीज के साथ साथ हमारे पास सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन चले। तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल था। अब लेते हैं हम एक क्यूब सीरीज, एक लेते हैं हम क्यूब सीरीज को लेंगे जिसमें क्यूब्स गिवन हो, आपको क्या हो, क्यूब्स गिवन हो, तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, 1, 1, 8, 27, 64 नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट क्या होगा वो आपको बताना है। ये हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, ये 1 का क्यूब होता है कि नहीं होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 27 होता है। ये सभी टिप्स पे होने चाहिए, क्यूब्स आपको एटलीस्ट 1 टू 20 टिप्स पे होने चाहिए, और स्क्वायर्स एटलीस्ट आप 20 तक तो कीजिए, 30 तक कर लेते तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो हमारे पास 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट तो 5 का क्यूब ही आने वाला है। ये तो श्योर एंड श्योर है कि भाई 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब याद होना चाहिए हमें, 125 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो इस क्वेश्चन में कुछ भी था, ये तो हमें डायरेक्टली देखने से ही पता चल गया कि ये तो एक क्यूब सीरीज है,
ये क्या है, एक क्यूब सीरीज है। अगर आपको काफी बार ऐसे दिया होगा कि आपके पास डायरेक्टली ना देखे ऐसे टर्म्स दे दी जाएंगे जिनमें हमें क्यूब्स बाद में मिलेंगे, जैसे हमने स्क्वायर्स वाले में देखे थे। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्यूब के साथ साथ क्या चले, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन चले। क्यूब के साथ साथ क्या चले, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। क्यूब के साथ साथ क्या चले, एडिशन या सब्ट्रैक्शन चले। चलो देखते हैं, लेट अस टेक ए क्वेश्चन। 7, 65, 215, 513, 999 और हमसे नेक्स्ट पूछ लिया गया कि क्या होगा, नेक्स्ट पूछ लिया गया क्या होगा। ये मेरे को पता चल रहा है 7 क्या, 7, 65, 215, 513 कितने बिग नंबर एकदम से बढ़ते ही जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बड़े बड़े, पहले वन डिजिट था, फिर डायरेक्टली टू डिजिट हो गया, फिर थ्री डिजिट, फिर और बड़ा होता गया। इट मीन्स यहाँ पे या तो स्क्वायर है या फिर क्यूब है, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे पता है कि 64 किसका क्यूब होता है भाई, 64 के आसपास है 65, तो 64 के आसपास है, मीन्स ये क्या है 4 का क्यूब प्लस क्या है 1 है। ये क्या है 7, 7 क्या है भाई, पता चल गया मुझे 2 का क्यूब माइनस 1 है। 215 क्या है हमारे पास, 216, 6 का क्यूब है माइनस 1 है। इसी तरह हमारे पास ये 8 का क्यूब प्लस 1 हो गया, ये 10 का क्यूब माइनस 1 हो गया, मींस ऑल्टरनेट चल रहा है, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1। तो इट मींस नेक्स्ट क्या होने वाला है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा 12 का क्यूब आएगा और प्लस में 1 आएगा। और हमें 12 का क्यूब याद होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए 12 का क्यूब याद होना चाहिए। 12 का क्यूब क्या होता है 1728 में 8 ऐड करेंगे तो 1729 इज द राइट आंसर। ये तो था आपका आज का इंट्रोडक्शन कि आपके पास क्या क्या है, हमारे पास लॉजिकल सीरीज क्या क्या होती हैं और वो कितने कितने टाइप्स की होती है और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आई होप आपको ओवरव्यू तो समझ में आया ही होगा कि ये हमारे पास क्यूब की सीरीज है, ये क्यूब विद एडिशन सब्ट्रैक्शन की सीरीज है, या फिर ये मेरे पास स्क्वायर की सीरीज है, या डिवीजन की, या मल्टीप्लिकेशन की। देख लो आपके पास 10 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज के इन लॉजिकल सीरीज। अब आते हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें आया दिया हुआ है इन लॉजिकल सीरीज। यस, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको कि इन लॉजिकल सीरीज वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे पास, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 181 के बाद देखो आप डिफरेंस लेंगे तो आपको देखते हैं। चलो हम सबसे कुछ भी नहीं समझ में आता तो हम क्या लेते हैं, ना तो ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है क्योंकि ज्यादा गैप नहीं है, ना ये डिविजन सीरीज है कि नंबर्स एकदम से डिक्रीज नहीं हो रहे ना एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम क्या लेते हैं सिंपल डिफरेंस सीरीज ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, बोलो कितने का डिफरेंस है, 9 और 2 11 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई, 4 का डिफरेंस है। कितने का, ये प्लस में चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। इनमें कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास 8 का डिफरेंस है। प्लस 8 करेंगे 206 में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा 214। अब यहाँ से आपने डिफरेंस तो निकाल दिया लेकिन यहाँ से भी हमें कुछ पता नहीं चला, पहले 10 हुआ फिर 11 हुआ, चलो बढ़ रहा है 1 का डिफरेंस, फिर से एकदम से कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया और फिर एकदम से डबल हो गया। तो यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये इनको बोलते हैं इलॉजिकल। तो ये जो पैटर्न दिया हुआ है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे आया है, मैं बताती हूँ जो मेरे पास ये कैसे आया है, जो ये नंबर दिया हुआ है इन दोनों का डिफरेंस, जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 है। और ये 10 कहाँ से आया, जब मैंने 1 में 8 को ऐड किया और प्लस 1 को ऐड किया, इन सब का इन जो ये नंबर दे रखा 181 इसके डिजिट्स का सम कर दिया तो मेरे पास क्या आया, 10 आ गया। चलो ये वाला पैटर्न फिर से लगाते हैं दूसरे वाले टर्म में, भाई 11 कैसे आएगा, ऑफ कोर्स इन दोनों टर्म्स में जब मुझे डिफरेंस निकालना है कितना 11 तो कैसे आया, इट मींस इसका सम होगा 191 के डिजिट्स का सम होगा। 191 के सम का डिजिट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1। वाह क्या बात है, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। चलो इसमें भी देख लीजिए, इसमें देख लेते हैं भाई 4 का डिफरेंस कैसे आया, जब मैंने 202 के डिजिट्स का सम किया 2 प्लस 0 प्लस 2 तो बोलो 4 आएगा कि नहीं आएगा,
किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना 8 कैसे आया। जब मैंने 206 है उसके डिजिट्स का सम किया तो क्या आया मेरे पास, 2 + 0 + 6, बोलो 8 आया कि नहीं आया। यस ऑफ कोर्स आया। अब हमने पता चल गया कि ये क्या हो रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसके डिजिट्स का सम है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होगा, 214 के डिजिट्स का सम क्या होगा, 214 के डिजिट्स का सम क्या होगा, 2 + 1 + 4, 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7। इट मींस यहाँ पे क्या ऐड होने वाला है, 7 ऐड होने वाला है, और 214 में आप 7 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, 221 इज द राइट आंसर, 221 इज द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत आई, ये जो 214 है इसके डिजिट्स का सम किया तो मेरे पास ये आया है, डिजिट्स का सम क्या आया है, 2 + 1 + 4। ये होते हैं हमारे पास इलॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये देखो कोई लगा सकता था, सोच सकता था, जिसने भाई प्रैक्टिस की होगी ना वही सोच सकता है कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, 5 8 2 4 5 2 4 2, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मीन्स हमें ये टर्म पूछी गई है, और 4 2 4 7 3 8 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस ले लेते हैं कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। भाई डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 2 8 और 5 582 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 582 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें हमें पता नहीं कितने का आएगा, इसमें भी नहीं पता, लेकिन इसमें देख लेते कितने का डिफरेंस आ रहा है। भाई इसमें डिफरेंस हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 4 और 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 8 में से कितना गया, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, और 3 में से 4, 2 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 2 का है, इसमें 4 2 4 का है। तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा भाई यहाँ पे क्या ऐड होने वाला है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमें दो दो टर्म यहाँ से दो दो डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे 582 हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट जाके 424 हो गया, बीच का नहीं पता, तो इसके लिए ये भी एक इलॉजिकल है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे 582 क्या है, 582 क्या है, इसके फर्स्ट थ्री डिजिट्स हैं, क्या है, फर्स्ट थ्री डिजिट्स हैं। इसी तरह 424 क्या है, इसके फर्स्ट थ्री डिजिट्स हैं, 424 क्या है, फर्स्ट थ्री डिजिट्स हैं जो ये नंबर हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट थ्री डिजिट्स, इट मीन्स क्या किया हुआ है इसने, ये नंबर कैसे आया है, जब मैंने 5824 में से 582 को सब्ट्रैक्ट कर लो, आप अगर आपको नहीं लग रहा है तो 5824 में से जब मैंने 582 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, बोलो 2 4 और 7 2 और 5, बोलो यही आया कि नहीं आया, आ गया। इट मीन्स क्या है, इसमें जो ये नंबर दिया हुआ है इसके फर्स्ट थ्री डिजिट्स को इसी में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ से इस डिफरेंस से हमें पता चला कि ये तो क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो ये इसके स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स हैं। तो क्या हुआ, जो ये नंबर था इसी में से स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आ गया। तो यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं, हम यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं, देखते क्या आता है कि नहीं आता है। इसी तरह 4247 में से मैंने क्या किया, 424 को किया, फर्स्ट थ्री डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा, 7 में से 4 गया कितना आ जाएगा 3, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, बोलो आया कि नहीं आया। इट मीन्स हमें ये पैटर्न फिट बैठ रहा है हमारा, तो हमें सभी के साथ यही करना है, यही करेंगे हम। तो 5242 में से स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5242 में से स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5248 में से 4 गया 2, 8 4 गया 8, एंड 3 में से 2 गया 1, एंड हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 4718, बोलो 4718 क्या आ जाएगा, 4718 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4718 आया, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे 4718। लेकिन फिर ये टर्म भी आनी चाहिए, फिर सीधा आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, इसके भी स्टार्टिंग के थ्री डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 471 हो गया,
स्टार्टिंग के 3 डिजिट तो क्या हो गए 471, तो 8 में से 1 गया 7 और 11 में से 7 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और ये 4247, तो इट मींस राइट आंसर क्या हो गया यहां पे 4718 इज द राइट आंसर. इट मींस 4718 इज द राइट आंसर. तो यहां पे डिफरेंस कितने का आया था 520, कर लो यहां पे हो जाएगा 524 और यहां पे हो जाएगा 4718. इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया. आई होप आपको समझ में आई होगी. ठीक है, कुछ भी नहीं था जो ये नंबर दिया हुआ है 5824, इसमें से इसके स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी. क्या आ जाएगी? नेक्स्ट टर्म 5242. ये वाला प्रोसीजर आपको सभी में फॉलो करना है. एक क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट 527916. यहाँ पे देखो नंबर पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज 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 इंक्रीज, एक बार कम हुआ फिर बढ़ता गया, तो हमें देखना क्या चल रहा है इसके अंदर. भाई हमारे पास वैसे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे तो क्या आएगा माइनस का डिफरेंस, फिर प्लस में प्लस में प्लस में चलता जाएगा, तो कोई पैटर्न तो बना ही नहीं कि भाई एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है या फिर सारे ही एडिशन हो रहा है या सभी में ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. ये कोई मल्टीप्लिकेशन सीरीज भी नहीं दिखाई दे रही है, ये कोई डिवीजन सीरीज भी नहीं दिखाई दे रही है, ना ये कोई स्क्वेयर्स है ना ही क्यूब्स है. हाँ यहाँ से आपको स्क्वेयर्स पता चल जाएंगे लेकिन स्टार्टिंग के तो नहीं है ना, हमें तो सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सभी पैटर्न सही बैठे. तो और देखते क्या लगेगा इसमें. भाई जो स्टार्टिंग की दो टर्म दी हुई है 5 प्लस 2, इन दोनों का सम करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है 7. इसी तरह जब मैं इन दोनों टर्म्स का सम करूंगी तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको 9. इट मींस हमें जब ये टर्म चाहिए तो ये क्या है, प्रीवियस दो टर्म का सम है, प्रीवियस टू टर्म्स का सम है. तो ये मेरे पास क्या हो गया, अब मैं 9 और प्लस 7 करूंगी तो 16 आएगा और 16 में जब मैं 9 को ऐड करूंगी तो 25 आ जाएगा. इट मीन जो ये टर्म आई ये कैसे आई है, ये आई है 9 प्लस 16, जो ये वाली दोनों टर्म्स थी इनको सम किया तो मेरे पास ये आ गया. अब मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म लेने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 प्लस 25 को ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा भाई, 16 में 25 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 41 इज द राइट आंसर. इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 इज द राइट आंसर. सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट की हमारे पास नंबर सीरीज में कितने टाइप की सीरीज होती है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज में. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आपके क्वेश्चंस लगवाएंगे आपकी बुक के. टिल देन आप सभी को क्या करना है, सभी को क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम. तो देख लीजिए आप, आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. So students, please practice at your home and keep learning with me. Okay? Bye-bye students. Take care. See you. Bye.